मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेल्कम बैक टू माय चैनल आयशा हेल्थ विद ब्यूटी। दोस्तों, आज मैं आपको इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग क्रीम बनाना सिखाऊंगी। इसके एक ही दफा के यूज से आप अपने डार्क स्पॉट्स को हल्का होता हुआ महसूस करेंगे, आपकी स्किन में चमक आएगी और दूध जैसी सफेद नजर आएगी। स्किन वाइटनिंग के लिए बाजार में बहुत महंगी महंगी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जो अपना वक्ती असर तो दिखाती हैं और उनमें मौजूद केमिकल आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं। लेकिन ये जो रेमेडी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, इसमें हमें बस तीन इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं। तीनों ही बिल्कुल नेचुरल हैं और आपके किचन में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल का हिस्सा बन जाएं और पास दिए गए बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सबसे पहले आपने एक लेना है क्लीन बॉल। अब हम इसमें ऐड करेंगे व्हीट फ्लोर यानी कि मैदा। तकरीबन 3 चम्मच हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट यानी कि दही। तकरीबन 2 चम्मच हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही अगर घर का बना हुआ हो तो ज्यादा बेहतर है। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे यानी लेमन का रस। 3 चम्मच हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। ये देखें, 1, 2, 3। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखें, ये हो गई हमारी इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग रेमेडी बिल्कुल तैयार। अब इसे आपने अपने चेहरे या हाथ पर अच्छे से लगा लेना है। अब इसे अच्छी तरह से सूखने के लिए छोड़ दें। जब ये सूख जाए तो नीम गर्म पानी से धो लें, फिर दोबारा ठंडा पानी से धो लें तो आपके स्किन पर जो पोर्स खुल गए हैं वो बंद हो जाएंगे। दोस्तों, इसके एक ही बार के इस्तेमाल से आपकी स्किन गोरी हो जाएगी, आप अपने चेहरे पर डार्क स्पॉट्स को हल्का होता हुआ महसूस करेंगे और आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलें, अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।